हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेशूज बेबी केयर में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, आपका भी अगर न्यूबॉर्न बेबी है तो आपको अपने न्यूबॉर्न बेबी के साथ कौन कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जब हमारा फर्स्ट बेबी होता है तो हमें पता नहीं होता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं जो हमें भी खुद पता नहीं होता कि हमने क्या कर दिया। तो आपको अपने न्यूबॉर्न बेबी केयर से रिलेटेड इन गलतियों को भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि बच्चे को कोई भी दिक्कत ना हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में जो घंटी का आइकन है उसको भी दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहली चीज़ है कि बच्चे का गर्भनाल, जैसे ही डिलीवरी हो जाती है तो बच्चे का गर्भनाल काट के अलग कर दिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि बच्चे के गर्भनाल को गीला गलती से भी नहीं करना है, और घर में जो भी चीज़ें हैं गलती से उनको भी आपको गर्भनाल पर अप्लाई नहीं करना है। कई लोग कहते हैं कि तेल लगा दो, तो आपको ऐसी गलती नहीं करना है। आपको बच्चे के गर्भनाल पर अपने आप से कुछ भी नहीं लगाना है। बच्चे का गर्भनाल सूखने के लिए डॉक्टर ही आपको अगर खुद रिकमेंड करते हैं, जैसे कि मुझे कान्हा के टाइम पे डॉक्टर ने मुझे पाउडर रिकमेंड किया था, एंड बेबी गर्ल के टाइम पे भी मुझे डॉक्टर ने एक पाउडर रिकमेंड किया था, उसी पाउडर को मैंने डेली गर्भनाल पर लगाया तो धीरे धीरे अपने आप ही सूख गया और ऑटोमेटिकली ही गिर गया। तो आपके बच्चे का भी गर्भनाल धीरे धीरे अपने आप ही सूख जाएगा, और अगर डॉक्टर ने कुछ आपको लगाने को दिया है आप वो कंटिन्यू लगाते रहिए दिन में 4 से 5 बार, तो अपने आप बच्चे का गर्भनाल सूख जाएगा और अपने आप ही गिर जाएगा। ये 10 दिन में ऐसा हो जाता है, 10 दिन में मेरे बच्चों का भी गर्भनाल ऑटोमेटिकली ही गिर गया था। तो आपको ध्यान देना है, बच्चे का गर्भनाल गीला नहीं करना है। दूसरी चीज है कि आपको बच्चे का डायपर चेंज करने में देर नहीं करनी है। सबसे पहले तो आपको अपने बच्चे के लिए अच्छे ब्रांड के डायपर यूज़ करने हैं, जैसे कि आपको अपने बच्चे के लिए जेल बेस्ड डायपर यूज़ करने चाहिए। इससे क्या होता है कि एब्जॉर्वेशन भी काफ़ी होता है और बच्चे को गीलापन भी फील नहीं होने देते हैं। बच्चे का डायपर आपको 3 से 4 घंटे में चेंज ज़रूर करना है, और अगर बच्चे ने पॉटी कर दी है तो आपको तुरंत ही डायपर चेंज करना चाहिए। ज़्यादा टाइम तक ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि बच्चे को इन्फेक्शन का खतरा रहता है। तो इस चीज़ में कंजूसी ना करें, आप बच्चे का डायपर टाइम टू टाइम चेक भी करते रहें, और अगर बच्चे ने पॉटी नहीं की है तो 3 से 4 घंटे में बच्चे का डायपर चेंज जरूर कर दें। बच्चे की स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, ज़्यादा टाइम तक आप गीला डायपर पहना के रखते हैं तो बच्चे को रैसेज आ सकते हैं, बच्चे को फिर परेशानी हो सकती है, इसलिए हर 3 से 4 घंटे में बच्चे का डायपर चेंज करते रहें। नेक्स्ट जो गलती है जो आपको बच्चे के साथ बिल्कुल नहीं करनी है अपने न्यूबॉर्न बेबी के साथ, वो है बच्चे को अकेला आपको नहीं छोड़ना है। जैसे कि आप अकेले हैं घर में, जॉइंट फैमिली में आप नहीं रहते हैं, तो आप जैसे कि नहाने जा रहे हैं तो बच्चे को अकेला छोड़ दिया, ऐसा आपको नहीं करना है। कोशिश करें सुबह सुबह जब घर में हस्बैंड है तो आप उसी टाइम नहा लें, या जो भी बाहर बच्चे से दूर जाने के जितने भी काम हैं वो पहले ही कर लें। नहाने जा रही हैं तो बच्चे के पास किसी न किसी को आप ज़रूर बिठा दें, बच्चे को अकेला ना छोड़ें, क्योंकि इस टाइम बच्चा डर जाता है और रोने लगता है। तो इसलिए आपको बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना है, और जब भी बच्चा सोता है ना तो थोड़ा सा कपड़ा, हल्का सा कपड़ा फोल्ड करके, आप ही का कपड़ा हो उसको हल्का सा फोल्ड करके आप बच्चे के चेस्ट पर रख सकते हैं। इससे क्या होता है, बच्चा बार बार जो चौंक जाता है, बार बार आँखें घुमाता है, तो वो प्रॉब्लम भी नहीं करेगा और बच्चा डरेगा भी नहीं। तो आप ये टिप्स ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है कि बेबी से जितने भी लोग मिलने आते हैं, चाहे हॉस्पिटल में हो या घर पे अगर मिलने आ रहे हैं, तो आपको पता है कैसा माहौल चल रहा है अभी, तो आप ध्यान रखिए कि जितने लोग भी बेबी को गोद लेते हैं उनके हाथों को अच्छे से सैनिटाइज कराइए, तभी आप अपने बच्चे को हैंडओवर कीजिए, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बाहर से जितने भी लोग बैक्टीरिया लेके आए हैं अपने साथ वो डायरेक्टली बच्चे के कॉन्टेक्ट में आ जाएंगे। इसलिए ध्यान रखिए, जो भी लोग बाहर से मिलने आ रहे हैं पहले उनको थोड़ा बाहर रेस्ट कराइए, थोड़ा टाइम उनको ऐसे ही रहने दीजिए, वेट करने के लिए बोल दीजिए, हाथों को अच्छे से सैनिटाइज ज़रूर कराएं। आप स्पेशली बोल दीजिए, क्योंकि इसमें जिसको बुरा लगना है तो लग जाएगा, क्योंकि सबको पता है कि कैसा माहौल चल रहा है, तो इस बात का आप ध्यान जरूर रखें। नेक्स्ट जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो है कि बच्चे को बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं पहनाने हैं। जैसे कि गर्मी है तो गर्मी में कोई दिक्कत नहीं है, आप हल्का सा कॉटन का सूट बच्चे को पहना के रख सकते हैं, लेकिन ठंडियों में भी आपको ज़्यादा बच्चे को कपड़े पहना के नहीं रखना चाहिए। कई लोग होते हैं 3-3, 4-4 बच्चे को स्वेटर पहना देते हैं, इससे क्या होता है बच्चे की बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिस वजह
से कि बच्चे को फीवर और वोमिटिंग हो सकते हैं। जैसे कि ठंडियों में बच्चों को अंदर बॉमर पहना दिया, ऊपर से एक स्वेटर पहना दिया, इतना काफ़ी होता है। और बाकी आप ब्लैंकेट वगैरह में तो बच्चे को लेके रखते ही हैं। तो ध्यान रखिए, बच्चे को बिल्कुल ज़्यादा कपड़े पहना के मत रखिए, इससे बच्चे को भी सफोकेशन होने लगता है, बहुत ज़्यादा गर्मी फील होने लगती है और बच्चा बेवजह फिर रोता है और आपको पता नहीं चल पाता कि बच्चा किस वजह से रो रहा है। नेक्स्ट चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि 6 महीने तक आपको अपने बच्चे को केवल ब्रेस्ट फीडिंग आपको करानी है, मतलब अपना दूध ही बच्चे को पिलाना है। लेकिन अगर आप अपना ब्रेस्ट मिल्क बच्चे को नहीं दे पा रहे हैं तो आप फॉर्मूला मिल्क बच्चे को पिलाते हैं तो केवल वही दें, फिर और कुछ आप ना दें। जैसे कई लोग कहते हैं बच्चे को शहद चटा दो, बच्चे को चीनी वाला पानी पिला दो, या फिर जैसे बोला जाता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है बच्चे को थोड़ा पानी चटा दो, और जैसे एक और चीज़ बोली जाती है कि बच्चे का पेट जैसे नहीं भर रहा है तो अब बच्चे को गाय का दूध दे दो। तो फ्रेंड्स, ये कोई भी चीज़ इनमें से आपको अपने बच्चे को नहीं देनी चाहिए। कम से कम 6 महीने तक तो बिल्कुल टच भी नहीं करानी चाहिए। बच्चे को जितनी भी कमी होती है पानी की, कुछ किसी भी चीज़ की, वो आपके दूध से ही पूरी हो जाती है बच्चा अगर आपकी ब्रेस्ट फीडिंग करता है तो। और अगर फॉर्मूला मिल्क पीता है तो उससे भी बच्चे की सारी कमियां दूर हो जाती हैं। इसलिए आपको इन चीज़ों के अलावा कोई भी और चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है कम से कम 6 महीने तक। क्योंकि इस टाइम क्या होता है कि बच्चे का डाइजेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, तो आप बाहर की कोई भी चीज़ बच्चे को देते हैं, पानी हुआ, शहद हुआ, या काउ मिल्क हुआ, कुछ भी आप देते हैं तो बच्चा डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, बच्चे का डाइजेशन सिस्टम बिगड़ जाता है, जिस वजह से बच्चा या तो लगातार उल्टी कर सकता है या लगातार लूज मोशन भी कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ ऐसी गलतियाँ जो अक्सर हमें नहीं पता होता है और हम न्यूबॉर्न बेबी के साथ कर जाते हैं। तो अब आपको पता चल गया, अब आपको ऐसी गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करनी है अपने बच्चे के साथ। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, फिर बाद में आप भूल जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।